हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चावल के रसगुल्ले। आप सोच रहे होंगे कि चावल के रसगुल्ले कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान तरीके से जो हम बना सकते हैं चावल के रसगुल्ले, तो मैंने यहाँ पर पैन रख लिया। पैन के अंदर हमने जो है मेजरमेंट में 1 कप चीनी डाला है और उसका डबल जो है हम पानी इसमें ऐड करेंगे, 2 कप पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये रसगुल्ला जो है छेने के जैसा स्वाद तो नहीं देगा, लेकिन इसमें चीप एंड बेस्ट रसगुल्ला आप बोल सकते हैं, और जो बनाना बिल्कुल आसान है और एक स्वीट डिश बहुत ही कम और सस्ते में जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चीनी जो है मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर जो है 3 हरी इलायची है उसको मैंने बीच से कट करके मतलब कूच के अच्छे से जो है इसके अंदर डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और अभी जो है हम जो है सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे, तो ढक्कन लगा के जल्दी से जो है इसे हम बॉईल करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। हमें तार वाला चाशनी नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा सा जो है चिपचिपा चाशनी तैयार करना है। तो इस तरह से चाशनी जो है बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है, तो चाशनी को जो है हम साइड में रख देंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि हम जो है एक पैन लेंगे और पैन के अंदर जो है हम 1 टेबल स्पून जो है हम घी लेंगे। घी जो है जिसमें काफ़ी अच्छे से जो है एक अलग फ्लेवर टेस्ट को जो है स्वाद को बढ़ाता है, तो घी ज़रूर डालिएगा। और घी के साथ जो है हम यहाँ पे 1 कप दूध ले रहे हैं, जो दूध नॉर्मल टेम्परेचर में है और नॉर्मल दूध है, बॉईल किया हुआ दूध है, तो वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और साथ ही साथ 1/4 कप यहाँ पर चीनी ले रहे हैं, जो 4 बड़े चम्मच के बराबर जो है ये चीनी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो है इंस्टेंट मावा जो है इसके अंदर हम तैयार कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा घी डाल दिया, चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया। अब इसको जो है हम मेल्ट करेंगे और इसे जो है इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, हम यहाँ पे जो है यूज करने वाले हैं, जी हाँ, चावल, चावल का आटा। तो आज हम चावल से बोल सकते हैं या चावल के आटे से जो है रसगुल्ला जो है हम तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे है 1/2 कप जो है हमने चावल का आटा लिया है, और इसको हम जो है थोड़ी थोड़ी जो है क्वांटिटी में डालते हुए और साथ ही साथ जो है चलाना, एक हाथ से चलाएंगे एक हाथ से डालेंगे, क्योंकि ये जो है जैसे ही हम चावल का आटा डालेंगे धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये काम करना बिल्कुल आसान है, फटाफट एक हाथ से करते जाएंगे, एक हाथ से डालते जाएंगे और इसे जो है चलाते चलाते हम मिक्स करते जाएंगे। मिक्स इसे इतना करना है कि करीब 5 से 7 मिनट जो है ये मिक्स भी होता जाएगा, और साथ ही साथ बिल्कुल जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है ना गैस का वो बिल्कुल लो होना चाहिए। लो फ्लेम में जो है हम चावल का आटा को जो है ऐड करते करते मिलाते मिलाते और इसे करीब 5 से 7 मिनट जो है हम चलाएंगे। और ये जो है आप रसगुल्ले की रेसिपी को अगर नॉन स्टिक पैन में अगर बनाएंगे तो थोड़ा आसानी होगा, ज़्यादा नहीं चिपकेगा और एक ही जगह जो है इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा आसानी से मतलब नॉन स्टिक पैन में बन जाता है। तो इस तरह से देखिए एक ही जगह जो है पूरा बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया और एक ही जगह जो है ये पूरा इकट्ठा होना चालू हो गया। तो इसके अंदर मिठास भी आ गई, दूध भी आ गया, थोड़ा सा इलायची फ्लेवर भी इसका आ गया इसमें घी का, तो सब मिक्स करके और बहुत ही बढ़िया जो है एक लग रहा है कि जैसे छेना का डो जैसा बिल्कुल जो है तैयार हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसे जो है अभी हल्का गर्म ही है और इसे बस हम दूसरे बर्तन में जो है शिफ्ट कर लेंगे। करने के बाद से अभी भी ये गर्म है, ठंडा नहीं होने देना है इसे। जब ये हल्का गर्म ही रहेगा तभी जो है हम थोड़ा सा हाथों में घी की मदद से लगाते हुए और इसे जो है हम थोड़ा सा मलना स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का बस इसे थोड़ा सा 2-4 मिनट जो है थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि उसके अंदर की जो परतें वरतें होंगी, लम्स वगैरह होंगे, वो भी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल छेने को जिस तरह से हम मसलते हैं उसी तरह से हल्के हल्के हाथों से घी की मदद से जो है इसे मलमल के बिल्कुल जो है एक डो का फॉर्म बना लेना है। तो बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से जो है आप चावल के आटे से जो है बहुत ही बढ़िया जो है रसगुल्ला बना सकते हैं घर पे, कुछ ही मिनटों में जो है ये बन के तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल अब इसके जो है छोटे छोटे जो है हमें गोले बनाने हैं। अब गोले आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटे गोले लेने से क्या होगा कि उसके अंदर रस जो है, जूस जो है, सिरप, शुगर सिरप, वो अच्छे से जाएगा उसके अंदर और पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम ज़्यादा बड़े भी नहीं बना रहे, ज़्यादा छोटे भी नहीं बना रहे, मीडियम साइज़ के जो है गोले हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे जो है गोले हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है और चाशनी तब तक क्या है कि वो ठंडा हो चुका है, मतलब हल्का गर्म है, ठंडा हो चुका है। तो उसको जो है हम फिर से चाशनी को जो है थोड़ा सा फिर से हम गैस फ्लेम को ऑन करेंगे और फिर से चाशनी को है गरम कर लेंगे। अब चाशनी को जब गरम करना है तो मतलब बॉईल नहीं करना है, लेकिन गरम होना चाहिए। उसके बाद से जैसे ही चाशनी गरम हो जाएगा तो सारे जो हमने बॉल्स जो तैयार करके रखे हैं, राइस बॉल, वो इसके अंदर हम डाल देंगे एक एक करके। सब डालने के बाद से अब जो है इसे हमें ढकना बिल्कुल नहीं है और इसे मीडियम फ्लेम पे जो है हमें करीब 5 से 7 मिनट, 7 मिनट से ज़्यादा ही इसे पकाना है। 7 मिनट तक जो है परफेक्ट पक जाता है 7 मिनट में, और इसे जो है पूरा बॉयल धीरे धीरे ये अपने आप जो है ऊपर तैरता हुआ रहेगा।
और इसे 7 मिनट तक किसी तरह खुले में हमें पहले पकाना है। उसके बाद से आप देखें कि चीनी में थोड़ी सी डस्ट वगैरह अगर रह जाती है तो ऊपर जो है परतें आने लगती है, और रसगुल्ला व्हाइट से ना अगर चीनी साफ नहीं रहती है तो रसगुल्ला व्हाइट जो होता है वो थोड़ा सा पीले शेड में आ जाता है, डस्टी शेड में आ जाता है। तो इसी तरह से ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे जो है, और थोड़ा चम्मच की हल्के मदद से जो है हम ऊपर से चलाते रहेंगे ताकि जो है रसगुल्ले जो है चारों तरफ से जो है अच्छे से बॉईल हो जाए, अच्छे से चारों तरफ से ये पक जाए। तो इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और ज़्यादा नहीं चलाएंगे, और इस तरह से चलाते चलाते देखिए रसगुल्ला बिल्कुल फ्लफी हो गया है और साइज में भी डबल हो चुका है। तो अब जो है इसे जो है अब यहाँ पे क्या करना है कि ढक के, ज़्यादा नहीं ढक के, सिर्फ हमें जो है 2 मिनट इसे पकाना है बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। तो 2 मिनट इसके लिए काफ़ी है ढक के, और लीड को मैंने देखिए पेपर से जो है बंद कर रखा है, तो लीड को बंद करके 2 मिनट इसे पकाना है। और बिल्कुल रसगुल्ला जो है देखिए जूसी रसगुल्ला बिल्कुल तैयार हो गया, और शुगर सिरप जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि, और देखिए एक भी जो रसगुल्ला जो है क्रैक नहीं हुआ है बिल्कुल आपके सामने जो है। तो इस तरह हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए हमें पकाना है, खुले में 7 मिनट पकाना है, और उसके बाद 2 मिनट पकाना है, उसके बाद से इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद से जो है आप रसगुल्ला जो है इसका स्वाद ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।